पिछले कई दिनों से मेरा 18 से 20 घंटे का दौरा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 5:30-6 बजे सुबह तक हम लोगों की बैठक चल रही थी। जो ऊर्जा मुझे प्राप्त होती है आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका बर्दस्त सिंधिया परिवार के मुखिया के माथे पे रहता है, तो ऊर्जा अपने आप आते ही जाती है। सिंगाड़ी के साथ बहुत पुराना संबंध तो है ही, बहुत दिनों बाद आपके बीच में आने का मौका मिला है और उसके पीछे कारण है। पांच छह साल पहले आपके बीच में मैं आने वाला था, लेकिन मेरा एक स्वयं जिंदगी में शर्त है। केवल गुना, शिवपुरी और अशोकनगर की जनता के कि मैं तभी किसी गांव में जाता हूं, किसी शहर के वार्ड में जाता हूं, जब कुछ न कुछ अपने साथ अपने परिजनों के लिए लेके जाता हूं। और यही एक अपेक्षा परिवार के सदस्य होने के नाते आप लोगों की भी मुझसे है। आज एक बहुत सुखद एवं महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आप लोगों की बहुचर्चित और बहुत बहुलंबित विकास और प्रगति की मांग गुना उमरी सिरसी और राष्ट्रीय राजमार्ग का बाईपास से मऊगढ़ा के लिए सड़क सिंगाड़ी होते हुए बहुत लंबे अरसे से आप लोग मांग कर रहे थे और आज आपके समक्ष सिंधिया परिवार का मुखिया खड़ा है, क्योंकि वही मांग को पूरा करते हुए आपके बीच में आया। 7.5 किलोमीटर की यह सड़क, ये कोई 10-50 लाख 1 करोड़ की सौगात नहीं, 6.5 करोड़ रुपए की सौगात मैं अपने साथ लेकर आया हूं। और इससे आप एक तरफ गुना बाईपास के साथ जुड़ गए हो और दूसरी तरफ गुना फतेहगढ़ सड़क से जुड़ गए। आपकी कनेक्टिविटी दोनों तरफ से हो गई और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि अब आप राष्ट्र के मुख्यधारा के साथ मेरा सिंघाड़ी गांव जुड़ चुका है। महाराजा सिंधिया जिंदाबाद, महाराजा सिंधिया जिंदाबाद। मेरे दिल में एक ही कशिश है, अगली पीढ़ी की ऊर्जा है। जब इतने जोर से इन्होंने नारा लगाया है तो मेरी आवाज में भी दोबारा ऊर्जा आ गई है। आपका विकास, आपकी प्रगति, ये मेरे जीवन का मूल और एकमात्र लक्ष्य है और उसी के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं।
आज राष्ट्र में जो वातावरण है, जहां किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार होकर भटक रहा है, महिला के विरुद्ध बलात्कार हो रहा है, राहुल गांधी के नेतृत्व में इस मोदी जी की सरकार, आपके आशीर्वाद से हमें इनकी बोरी बिस्तर पान के पूरे देश से रवाना करना है। ये कहते थे भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, और जीतने के बाद ये कहते थे भाजपा अपने आप ही जीते जात, काहे करे किसान का कर्जा माफ। मैंने आपसे कहा था कांग्रेस की सरकार स्थापित करो, किसान का कर्जा माफ होगा, बिजली बिल हाफ होगा और भाजपा का सुपड़ा साफ आपको करना होगा। कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई, 6 घंटे के अंदर 55 लाख किसानों का 40,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करके हम निकल गए। किसानों के लिए 10 हॉर्स पावर का बिल हाफ करके हमने छोड़ दिया है, कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है। ऋण माफी, बिजली का बिल और उसी के साथ जुड़ा हुआ है आपकी विकास और आपकी प्रगति, इस सड़क के साथ। तो जो मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने विधानसभा में करके दिखाया है, अब पारी है लोकसभा की। यहां तो मामा को हमने रवाना किया था, अब दिल्ली में बैठे हुए नाना को रवाना करना है। लुम्बा जी ने कहा मुझे उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई है, वहां भी दौरा करना पड़ेगा मुझे। आपके बीच में जितना मैं आता था उतना मैं आ नहीं पाऊंगा। वहां योगी जी और मोदी जी के साथ रणभूमि में मैं आऊंगा। गुना, शिवपुरी और अशोकनगर की जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं मानता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केवल इस शरीर में नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आप सब हो। तो वहां लड़ाई मैं लड़ूंगा और यहां लड़ाई। पिछले बार गुना विधानसभा में कमी रह गई थी, लोकसभा चुनाव में भी हम गुना विधानसभा हारे हैं। मेरे दिल में दुख है, मेरे दिल में पीड़ा है। जिस क्षेत्र के लिए दिन रात मैंने कार्य किया है उसी क्षेत्र में हम पिछड़ गए हैं, विधानसभा में भी लोकसभा में। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है। अगर आपको मुझ में विश्वास है, अगर आपके साथ वास्तविकता में परिवार का संबंध है, तो सबसे ज्यादा मार्जिन इस बार गुना विधानसभा से होनी चाहिए लोकसभा में। मैं इसलिए यहां कह रहा हूं क्योंकि बमोरी विधानसभा के सारे रिश्तेदार भी तो गुना में रहते हैं,
और आपकी प्रथम पंक्ति तो यहाँ गुना की बैठी हुई है, जो बमोरी ने करके दिखाया है लोकसभा में विधानसभा में, अपने रिश्तेदारों को कहना कि गुना में भी करके दिखाना होगा। हमारी और आपका, हमारा और आपका एक विकास और प्रगति का रिश्ता है, उसे मजबूती प्रदान करो, केंद्र में कांग्रेस की सरकार स्थापित करो और आपके विकास और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त कराओ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।